हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है और सीवी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट है। ये अलजहरन कंपनी का रिक्वायरमेंट मेरे पास आया हुआ है और इस कंपनी को बहुत सारे कैटेगरी के बंदे चाहिए, किसी में 6, किसी में 3, किसी में 12, किसी में 10, ऐसा ऐसा बंदे चाहिए इसमें, ठीक है। तो पूरे तरह से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। और इस कैटेगरी का बंदे अगर है कोई और ये वीडियो कोई देख रहा है जिसमें कैटेगरी रहेगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अल जहरैन कंपनी का रिक्वायरमेंट है सऊदी अरबिया का और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए। 3500 से 4000 सैलरी रहेगा। इलेक्ट्रो मैकेनिक इंजीनियर चाहिए 3, 3500 से 4000 सैलरी रहेगा। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए 3500 से 4000 सैलरी रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए 3500 से 4000 सैलरी रहेगा। कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए 3500 से 4000 रियाल सैलरी रहेगा। BMS इंजीनियर चाहिए 3500 से 4000 सैलरी रहेगा। और रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर चाहिए 3500 से 4000 सैलरी है। सेफ्टी इंजीनियर चाहिए 3500 से 4000 सैलरी रहेगा। BMS टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी रहेगा। लो करेंट टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी रहेगा। नॉन मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी रहेगा। और मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी रहेगा। स्कैड टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 2000 सैलरी रहेगा। और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए 1500 से 1800 सैलरी है इसमें। पावर प्लांट मैकेनिकल मैकेनिक चाहिए 1500 से 1800 सैलरी रहेगा। HB इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल चाहिए 1400 से 1600 रियाल सैलरी है। और पावमेंट टेक्नीशियन चाहिए 1400 से 1600 सैलरी रहेगा। स्वीपर ऑपरेटर चाहिए 1400 से 1600 रियाल सैलरी रहेगा। HVAC टेक्नीशियन चाहिए 2500 से लेकर के 1800 सैलरी है। लॉन्ड्री टेक्नीशियन चाहिए 1500 से 1800 सैलरी है। और जनरेटर टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। RO टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। RO ऑपरेटर चाहिए 1600 से 1800 रियाल सैलरी रहेगा। सेफ्टी सुपरवाइज़र चाहिए 2200 से लेकर के 2500 रियाल सैलरी रहेगा। फायर अलार्म टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। मेडिकल गैस टेक्नीशियन चाहिए 1800 से 2200 सैलरी है। फोटो कॉपर टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। पंप टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी रहेगा। और जनरेटर मैकेनिक चाहिए, जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। टेलीफोनिक एंड सेंट्रल टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। चिल्लर टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। फायर फाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 रियाल सैलरी रहेगा। ऑडियो एंड वीडियो टेक्नीशियन चाहिए 1800 से 2200 सैलरी है। और नर्स चाहिए इसमें 4000 से 4500 रियाल सैलरी रहेगा। BMS ऑपरेटर चाहिए 1600 से 1800 सैलरी रहेगा। MB टेक्नीशियन चाहिए, बॉयलर टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी है। केमिस्ट चाहिए 2000 से 2500 रियाल सैलरी है। बायोडाटा मेडिकल टेक्नीशियन चाहिए 2000 से 2500 रियाल सैलरी है। प्लम्बर चाहिए 1300 से 1500 सैलरी है। फर्नीचर कारपेंटर चाहिए 1300 से 1500 रियाल सैलरी रहेगा। ऑटो मैकेनिक चाहिए 1400 से 1600 सैलरी रहेगा। ऑटो एयर कंडीशनर मैकेनिक चाहिए 1400 से 1600 सैलरी रहेगा।
ऑटो इलेक्ट्रिकल चाहिए 1400 से 1600 सैलरी रहेगा। बिल्डिंग पेंटर चाहिए 1300 से 1500 सैलरी है। अल्युमिनियम टेक्नीशियन चाहिए 1400 से 1500 सैलरी है। टाइल्स टेक्नीशियन चाहिए 1400 से 1500 सैलरी है। ठीक है, तो ये कैटेगरी के 50 कैटेगरी के बंदे चाहिए इस कंपनी को। और पासपोर्ट जो है ACR ACNR दोनों पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। एज लिमिट जो है 21 से लेकर के 35 का बंदा चाहिए। ड्यूटी 8 घंटा है। और कंपनी आपको जो है फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन मेडिकल इकामा रिटर्न टिकट ये सारा चीज़ जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस कैटेगरी में जाने के लिए। और अगर जाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सर्विस चार्ज क्या रहेगा और कैसे अप्लाई करना है वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।